हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है दिन शनिवार और आज है गणेश चतुर्थी, इसे गणेश चौथ भी कहते हैं। मतलब गणपति जी का आगमन होता है आज के दिन, उनका बर्थडे समझ लो, या फिर ये जो 14 दिन का गणपति का महोत्सव चलता है ना, इसकी शुरुआत होती है आज से। तो बहुत सारे लोग अपने घरों में गणपति को स्थापित करते हैं, उसके बाद अनंत चतुर्दशी वाले दिन उनको विसर्जित कर दिया जाता है। तो हमारे घर में तो खैर ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो जो गणेश जी हैं वो परमानेंट हर वक्त घर में ही रहते हैं। तो उनके लिए ना, मतलब मैं गणेश जी को भाई मानती हूँ, राखी बांधती हूँ, तो उनके लिए उनको पसंद है मोदक, मोदक माने लड्डू, ठीक है। अब वो मोदक वाली शेप के मोल्ड आते हैं वो मेरे पास है नहीं, और जिस तरीके से ना मैं बेसन की बनाती हूँ तो वो उस तरीके से हाथ से नहीं बन पाते उस वाली और शेप ना में। वो जो महाराष्ट्रीयन स्टाइल चावल वाले मोदक बनते हैं ना, वो घर पे किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि भोग लगाने के बाद भगवान जी तो सारा नहीं खाते, तो वो खाना तो हमको ही होता है। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें ही बनाती हूँ जिससे भगवान जी का भोग लगाने के बाद वो मुझे बाद में अकेले ना ठूसनी पड़े और सब लोग खा लें। तो सबको पसंद है मेरे हाथ के बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, और मतलब जो भी मैं वैरायटी बनाती हूँ वो सब। लेकिन वो जो चावल के बॉईल करके मोदक बनते हैं ना, वो किसी को भी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाए थे। तो मैंने ना बेसन को भून लिया था देसी घी में, और गाय का देसी घी यूज़ करती हूँ मैं। उसके बाद मैंने उसको ठंडा किया था, ठीक है। फिर मैंने इसमें डाला था इलायची पाउडर, थोड़े से जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो वो डाल लेना। मैंने तो थोड़े से भोग के लिए बनाए थे छोटे छोटे से लड्डू, तो फिर भी काफ़ी सारे हो गए, नीचे दे दिए थे मैंने भोग लगाकर मम्मी के पास, और ऊपर हम लोगों ने यूज़ कर लिए थे। सबको बहुत पसंद आते हैं, और छोटे साइज़ के जो मैं बनाती हूँ ना वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। एक बार में जब भी क्रेविंग हो रही हो तो एक लड्डू आप छोटा खा सकते हो। लड्डू एक बहुत ज़्यादा पौष्टिक चीज़ है, ज़रूर बनानी चाहिए। बट आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको उसी तरीके के लड्डू बनाने चाहिए जैसे आप सत्तू के लड्डू खा सकते हो, अलसी के लड्डू खा सकते हो, मेथी के लड्डू खा सकते हो, धनिया के लड्डू खा सकते हो। तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं आप सब लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन भैया कमेंट्स पर डिपेंड करता है ये, अगर आप लोगों के कमेंट्स नहीं आएंगे तो फिर मैं नहीं शेयर करूँगी, ठीक है। तो मेरे को ना, मतलब कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे उसमें इलायची पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है, बिना उसके तो टेस्ट आता ही नहीं है। तो इलायची कूट ली थी और मैंने इसमें मिला दिया था, और ना बादाम को मैंने क्रश करके डाला था, क्योंकि जो मोटा मोटा बादाम आता है वो लड्डू बनाने में दिक्कत क्रिएट करता है, और मेरे बेटे को ना ऐसे मूवमेंट ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना वो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं क्रश करके ही डालती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने बादाम को क्रश कर दिया था, और गुड़ ना मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इतना बहुत थोड़ा सा बचा है, वो भी झूठा है हमारा। मतलब रात को ना दूध के साथ खाते हैं, तो जिस डिब्बे से खाते हैं उसी में छोड़ देते हैं, वो यहीं पर बेड के पास ही रखा रहता है। तो अभी गुड़ और मंगाना है, गुड़ मंगाऊंगी तब मैं सौंठ भी बनाऊंगी, सौंठ भी बनानी है मुझे। और इसलिए ना मेरे को इन लड्डुओं में बूरा मिलाना पड़ा, और बूरा भी ना ख़त्म हो गया था, मैंने आपको दिखाया, तो मेरे को ना चीनी पीसनी पड़ी। और हमारे यहाँ पर पता है 2 दिन से लाइट ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, इतनी तो बारिश भी नहीं हो रही जितनी लाइट जा रही है। लेकिन लकीली मैंने भगवान से प्रार्थना की और पता है 10 मिनट के लिए लाइट आ गई, और मैंने ना फटाफट से जैसे लाइट आई, एक तो सारी की सारी मतलब आरओ चलाया, आरओ भरा, दूसरा समर से पानी भर लिया, और तीसरा जो सबसे अच्छा काम किया मैंने वो किया कि मैंने ना चीनी पीस ली। तो चीनी पीस के हमारा बूरा तैयार हो गया, उसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से मैश किया, छोटे छोटे से लड्डू बनाए। ये जो मैं साइज़ बना रही हूँ ना, आप लोग कहोगे बहुत ज़्यादा छोटे बना रहे हो, लेकिन पता है वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि छोटा साइज़ बनाओगे तो कम मीठा खाओगे, जब क्रेविंग होगी तो एक छोटा सा लड्डू खा लिया। अब इसमें आप हेल्दी वर्जन ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी बहुत सारे ऑप्शन, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो बताना, मैं हेल्दी ऑप्शन भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद नहा धोकर पूजा की मैंने, ठीक है, और एक दिन पहले से ही वाला ब्लॉग चल रहा है, शाम से लाइट नहीं आ रही थी इसलिए बाहर अंधेरे में बैठकर ही लड्डू बनाए थे। नहाई धोई, घर की साफ़ सफाई की, पूजा की, उसके बाद तुलसा जी तोड़कर लाई थी, और ना ये मैं बना रही हूँ पंचामृत। पंचामृत माने 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, आप लोगों को पता ही है, दूध, दही, शहद, गाय का देसी घी, ठीक है, और इसमें डलता है गंगा जल, ठीक है। बूरा ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो, लेकिन भैया मीठा कम रहता है तो इसलिए एक चम्मच हमने बूरा भी डाल दिया था। ड्राई फ्रूट्स 5 प्रकार के डाल दो तो बहुत ही अच्छा है, ना हो अवेलेबल तो जो मिल जाए वही डाल दो, ठीक है। और इलायची कूट के डालना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद ना मैंने इसमें गलती से तुलसी दल डाल दिए। वैसे गणपति को ना तुलसी दल का मतलब नहीं होता है, नहीं चढ़ता है भोग, लेकिन मेरे को नहीं ध्यान था बिल्कुल भी, तो मैंने तुलसी दल भी डाल दिए थे, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि
कि गणपति को तुलसी दल का मतलब भोग नहीं लगता है। पता नहीं है मुझे अभी इसके बारे में ना, मैंने कुछ सुना तो था बट मुझे ऐसे सच में से कहानी याद नहीं आ रही, तो मैं पढ़ूंगी भी गूगल से सर्च करके कि क्यों नहीं डलता। उसके बाद मैंने पूजा की, भोग लगाया गणपति जी को और आज मेरी दिए की बाती में सच में गणपति बने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की दिए की बाती में कुछ भी फूल वगैरह बनता है क्या? मेरी दिए की बाती में अलग अलग शेप के बनते हैं बहुत सारे, तो अगर आप लोगों की भी बनते हो ना तो शेयर करना, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा कैसा बनता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में बनाया था, चाय बनाई थी और काले चने बनाए थे, और काले चने भैया हमें ऐसे ही फ्राई करके खाने पड़े आज, क्योंकि हमारे पास सब्जियां अवेलेबल ही नहीं थी। पतिदेव जब टूर पे गए थे ना, उससे पहले जो सब्जियां भरकर गए थे फ्रिज में वही सब कुछ चल रही थी अब तक, फल और सब्जी। और दो दिन से इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि सब्जियां लाने का ना टाइम ही नहीं मिला था पतिदेव को। और ये देखो मेरी नेकलेस बोन कितनी ज़्यादा अच्छे से निकल आई हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको देख देख के, और मेरा कॉन्फिडेंस भी ना बढ़ जाता है कि अब मेरी भी हड्डियाँ दिखने लगी हैं, मतलब कि मैं अब इतनी पतली नहीं हूँ जितना सब लोग, मतलब इतनी मोटी नहीं जितना सब लोग मुझे बोलते रहते हैं। देखो मैं भी, मेरे भी ना ब्यूटी बोन्स दिखने लगी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना फिर मैं लगी थी खाने की तैयारी में, और सब्जियां तो कुछ भी नहीं थी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सिर्फ आलू ही पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि आलू की ना सूखी सब्जी छौंक लेते हैं, क्योंकि आज गणेश चौथ थी, तो मैंने सोचा कि पूड़ियाँ बना लेते हैं, काफ़ी दिनों से पूड़ियाँ बनी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आलू की सूखी सब्जी, मतलब अगर मैं उबाल कर बनाऊंगी तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेरा नॉनस्टिक कुकवेयर है ना, तो मैं कच्चे आलू की भी ऐसे ही छौंक देती हूँ, बढ़िया बनती है और चिपकती नहीं है नॉनस्टिक में, पता ही है आपको। तो मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था फिर भी, जिससे कि ना मतलब ऐसा ना हो कि, क्योंकि ऑयल अगर कम होता है, मैं कम ऑयल में ही खाना बनाती हूँ, तो फिर थोड़ा सा ना मतलब जलने का डर रहता है। हालाँकि नॉनस्टिक काफ़ी अच्छा है, इसीलिए नॉनस्टिक मैंने लिया था। मेरे पास छोटा वाला कुकर सिल्वर का है, मैं उसमें ऐसी चीज़ें नहीं बनाती। एक बार खीर बनाई थी, भाई चिपक गई थी, बहुत सारा चावल ख़राब हो गया, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, वही नॉर्मल मसाले डाले मैंने और आलू की सब्ज़ी बना ली। थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बहुत थोड़ा सा, जिससे कि सीटी के लिए जो भाप बने ना अंदर, उसके लिए पानी यूज़ हो जाए। और फिर मैंने दो सीटी ली और उसमें मेरी सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद ना मैंने आटा लगाया था, रायता बनाया था और रख दिया था उसे उठा के, और फिर उसके बाद ना मैंने सोचा कि अब ना एक्सरसाइज ना यहीं पर कर लेती हूँ थोड़ी देर स्लैब पे, क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम था, हनु के स्कूल आने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने यहीं पर ही किचन की स्लैब के साथ, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होती हैं। तो ये जो मैं आज आपको एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, अगर ये वाली एक्सरसाइज डेली ना 10 मिनट भी कर लोगे ना, तो भी बहुत तेज़ी के साथ ना आपका पेट का, बैक का, शोल्डर्स का, हिप का, थाइस का, टोटल बॉडी का फैट बहुत अच्छे से चला जाएगा। और अगर कमर बहुत ज़्यादा मोटी है ना, तो कमर एकदम से पतली हो जाएगी, मतलब कमरा से ना कमर बन जाएगी आपकी। तो बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये हाथों को टाइट करने के लिए और चेस्ट के लिए होती हैं, तो ये भी मैं कर रही थी। और उसके बाद ये जो साइड वाली मैंने की थी ना, वो भी की थी। और यार पता है मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे आजकल ना लेडीज़ ऐसी वीडियोज़ बनाती रहती हैं कि उनका पेट दिख रहा है और इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरी बदन की नुमाइश करती रहती हैं, मुझे ना ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को ऐसी वीडियोज़ बनाना भी पसंद नहीं है और मुझे ऐसी वीडियोज़ ना देखना भी पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता अगर कुछ भी दिखता है। लेकिन यार साड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना कितना भी तमीज़ से पहन लो फिर भी थोड़ा बहुत पेट और कमर तो दिख ही जाता है। तो ज़्यादातर तो मैं सूट ही पहनती हूँ, लेकिन जिस दिन फास्ट होता है या फिर त्यौहार वगैरह है तो तब मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो आज साड़ी पहन ली थी, बहुत दिनों से पहनी नहीं थी, और साड़ियाँ तो अब मैंने लेना भी बंद कर दिया है। मैं बहुत कम साड़ियाँ नहीं खरीदती, मैं अब सूट ही खरीदती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे लगता है सूट में एटलीस्ट पूरी की पूरी बॉडी ढकी तब भी रहती है। आप लोगों के क्या विचार हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ना मुझे जैसे जैसे जो जो एक्सरसाइज याद आती है ना, मैं वो कर लेती हूँ। तो और आप लोग कैसे एक्सरसाइज करते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो जब जब जो जो जैसे जैसे याद आती है वैसे वैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सच ना ऐसे तो कुछ है नहीं कि यही एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद जैसे जैसे याद आती जाती है वैसे वैसे कर लेती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर एक्सरसाइज करते हो या फिर कुछ और, मतलब जैसे डांस वांस करते हो म्यूज़िक वगैरह चलाकर, कैसे एक्सरसाइज करते हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे ना बड़ा मज़ा आता है स्लैब वाली एक्सरसाइज करने में। और साड़ी पहन रखी थी तो बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे टाइप्स की तो मैं कर नहीं सकती थी, ठीक है। तो आज मैंने बेड पर ना बैठ के भी एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि एक तो थक गई थी, सुबह से काम बहुत ज़्यादा हो गया था, और उसके बाद ना फिर मैंने सोचा, लेकिन क्योंकि कल की ना मेरी एक्सरसाइज की गैपिंग हो गई थी, तो दो दिन से लाइट नहीं आ रही और आज भी लाइट नहीं आ रही। अभी तो इन्वर्टर चल रहा है मेरा, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा। लाइट ने भैया बहुत ही ज़्यादा खेल कर दिया है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर गया है लाइट को देखने के लिए कि वो ठीक हो जाए लाइट, और मतलब सब लोग लगे पड़े हैं उसको ठीक कराने के लिए कि वो ठीक हो जाए कैसे भी।
तो जेई वगैरह सबको बुला लिया गया है और परमानेंट सॉल्यूशन कुछ हो जाए तो, क्योंकि देखो घरों में जो है वो तो है, लेकिन आसपास जो कारखाने, हमारा खुद का कारखाना ना चल नहीं पा रहा, क्योंकि इन्वर्टर कितना चलेगा, मशीनों का लोड बहुत ज़्यादा होता है और लाइट बहुत ज़्यादा खेल कर रही है आजकल। तो आज ना जाकर शाम को लाइट, तो मैं बता रही थी कि आज ना जाकर शाम को 6 बजे तो लाइट आई और 2 घंटे आई और फिर से खेल शुरू हो गया। और यार पता नहीं क्या हो रहा है ना, आज इस वाली वीडियो की एडिटिंग हो ही नहीं पा रही। इस वाली वीडियो की एडिटिंग जो मैं कर रही हूँ ना, ये वॉइस ओवर जो कर रही हूँ बोलकर, इसमें कम से कम 3 बार कॉल आ चुकी है बीच बीच में, और एक बार में पूरी की पूरी वॉइस ओवर मेरा हो ही नहीं पा रहा। बार बार मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बताया आपको, और फिर से बीच में कॉल आ जाती है तो कहीं से कुछ मैं शुरू हो जाती हूँ। उसके बाद ना ये सब्जियाँ और फल लेकर आए थे, आटा भी ख़त्म हो गया था, आटा भी मंगाया था मैंने इनसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना सब चीज़ें चल रही थी तो आई नहीं थी सब्जियों में। बहुत सारी सब्जियाँ ले आए थे, टमाटर लाए थे, आलू लाए थे, अदरक, मिर्च, धनिया, बैंगन, काशीफल, तोरई लाए थे, करेला लाए थे, लौकी लाए थे। मैं ना ऐसे ही मंगा लेती हूँ, फिर हफ्ते भर करीब सब्जियाँ चल जाती हैं, और बीच कूच में मैं ना प्रोटीन की चीज़ें बनाती रहती हूँ, जैसे दाल बना ली, चने बना लिए, राजमा, लोबिया, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो वो सब चीज़ें बन जाती हैं। तो क्योंकि इनके पास ना डेली समय नहीं होता भैया, बिजनेसमैन लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो वैसे ही 50 झंझट रहते हैं जान को, और फिर बच्चे को ट्यूशन लाना, ले जाना, ये स्कूल भी यही छोड़कर लेकर आते हैं, तो इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। तो मैं ना, और मैं घर से निकलती नहीं हूँ ज़्यादा, और हमारी गली में तो बहुत महंगी सब्जी देकर जाता है, तो यही लेकर आते हैं सब्जियाँ, जाकर इकट्ठी ले आते हैं हफ्ते 10 दिन की फल और सब्जियाँ, फिर वो 10 दिन करीब चल जाती हैं और फिर से ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद ना मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए लग गई थी, और ये जो ऑयल था ना, ये मैंने अभी बीच में एक दिन बरूले बनाए थे हनु के लिए, उसका ऑयल था, तो इसमें ना थोड़ा सा वो, जैसे बरूले बनाने में बूंदी वगैरह या वो जो जल जाती है ना, जो बची रह जाती है, वो इसमें पड़ी हुई थी, तो उसका जो काला काला वो रह जाता है ना, तो ये फिर आप कुछ और चीज़ सेको तो उसके ऊपर आ जाता है ना, तो इस तरीके से पूड़ियों के ऊपर थोड़ा सा आ गया था। फिर आप लोग पूछो कि ये पूड़ियों के ऊपर काला काला सा क्या लगा है मैम, तो ये बस वही है जो जैसे हम ऑयल में कुछ तलते हैं और कुछ छोटी मोटे तिनके विनके से ऑयल के अंदर रह जाते हैं और फिर वो जल जाते हैं, तो वही फिर किसी और चीज़ को हम तलते हैं तो फिर उस पर चिपक जाते हैं। और मैंने पहले खाया था एक केला अच्छे से चबा चबा कर, उसके बाद फिर मैंने 2 पूड़ी खाई थी, और फिर ना मैंने भाई साड़ी उतार दी थी, काम नहीं होता मेरे से अब साड़ी पहन कर, आदत छूट चुकी है, पैर मेरे को इतने बंधे बंधे से लगते हैं, तो मैंने गाउन पहन लिया था पेटीकोट के ऊपर ही इसी तरीके से। और उसके बाद ना फिर मैंने आटा खलाया, सब्जियों को खलाया, सबको फ्रिज में सेट करा, फ्रिज की सफाई करी, और आलू धोकर रखे। मैं ना सारी की सारी सब्जियों को धोकर ही रखती हूँ, ठीक है, तो सर टेंशन नहीं होती, हालांकि मैं यूज़ करने से पहले भी एक बार धो लेती हूँ, लेकिन जिन सब्जियों में ज़्यादा मिट्टी लगी होती है ना, उसकी वजह से ना फ्रिज गंदा नहीं होता। और ये देखो मैं ना आरओ का पानी कैसे स्टोर करती हूँ, फिर इन बाल्टियों को ले जाकर मैं अपनी मशीन में पलट देती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, तो इस तरीके से ना ये पानी वेस्ट नहीं होता मेरे से बिल्कुल भी। अब तो आदत पड़ गई है, मुझे लगता है कि एक बूंद पानी भी ना क्यों वेस्ट हो, तो ये जो वेस्ट पानी रहता है इससे मैं बहुत सारा यूज़ कर लेती हूँ, पौधों में डाल देती हूँ, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, आप लोग भी किया करो। तो फिर उसके बाद वही मैंने जैसे आपको बताया, मैंने ना फ्रिज में सब्जियां सेट की, बास्केट में जो सब्जियां थी वो सब बाहर निकाली, बास्केट को धोया अच्छे से, उसके बाद सुखा के उसे पोंछ के फिर उसमें मैंने बाकी की सारी सब्जियां थैलियों से खला खला कर धोकर साफ़ कर करके रख दी थी। तो भाई इतने सारे काम होते हैं ना डेली के दिन में, हम औरतों के पास ना पूरे दिन काम 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 और काम होता है, सुबह जब से उठती हूँ और रात के सोने के टाइम तक बस काम काम और काम ही होता है, तो पूरा दिन बस कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसके बीच में अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सब लोगों से कहूँगी कि अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालो, क्योंकि काम तो भैया सब चलते ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समय अपने लिए निकालोगे तो अपने अंदर भी मोटिवेशन और अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप कर पाओगे, ठीक है। वरना जीवन तो ऐसे ही कटना है, औरतों के पास मरते दम तक काम की कोई कमी नहीं होती, रोज़ इतना सारा काम होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए समय निकालो, थोड़ा फूड हैबिट्स को चेंज करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो और अपने आप को डेली मोटिवेशन बना के रखो। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम बहुत खूबसूरत हैं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कल के ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।